करोड़ों का बिजनेस होता है धारावी। दिक्कत ये है कि मुंबई की एक साइड में समुंदर है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछवा पहाड़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे मुंबई 120 किलोमीटर स्पीड में चलिएगा, 120 के स्पीड में ना, तो पुलिस चालान नहीं काटे। मुंबई का तो पूछिए मत। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें आप कितना भी अमीर हो जाइएगा ना, तो आपको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। मतलब भौकाल नहीं हो पाता। आप सड़क पे चले मर्सिडीज से चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कोई बोलेरो गांव में लेके घुसेगा, अरे बाप रे बोलेरो है यार। मुंबई में अगर देखेंगे तो अगर जब जहाज लैंड करने वाली होती है, एक से एक बिल्डिंग दिखेगी, एक से अरबों खरबों की बिल्डिंग, उसके बगल में झोपड़पट्टी। ये मुंबई में ऐसा है कि जहां बड़ी बस्ती मिलेगी वहां झोपड़पट्टी भी मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी मुंबई में। मुंबई में करोड़ों का बिजनेस होता है धारावी में, करोड़ों का। जितनी फैक्ट्रीज है, जैसे कोई कंपनी, जो कोई बढ़िया कंपनी है शर्ट बनाती है, तो बटन कहीं ना कहीं लगवाई धारावी में दे दी, भैया तुम इसका बटन लगा के दे देना। उसमें छोटे 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 बिजनेस है जो सप्लाई चेन में बहुत हेल्प करते हैं, तो काफी बिजनेस है वहाँ। तो मुंबई डेवलप भी है, समुंदर से घिरा हुआ है मुंबई। मुंबई में समस्या ये है, मुंबई में ट्रैफिक बड़ी खराब है, सबसे भयानक। बेंगलोर और मुंबई का जाम रुला देता है मुंबई को। दिक्कत ये है कि मुंबई की एक साइड में समुंदर है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछवा पहाड़ है, तो एक ओर से पहाड़ दाब दिया है, एक ओर से समुंदर, और उसी में डेवलप होना है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे मुंबई में, क्योंकि एक्सपेंशन का ज्यादा जगह नहीं है। और दिल्ली में गवर्नमेंट कहती है कि ज्यादा ऊंचा नहीं ले जाने देंगे तुम, क्योंकि ज्यादा ऊंचा ले जाओगे तो एक ही जगह लोग सिमट जाएंगे। चौड़ा होने दो, ताकि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अगल बगल का भी एरिया आए। हम ट्विन टावर जो गिराया गया था ना, वो लंबाई की वजह से नहीं गिराया गया था, उसमें नॉर्म्स पूरे नहीं हुए थे, उसमें नॉर्म्स नहीं पूरे हुए। एक बार हम पॉलिटी का क्लास पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम लड़कों को समझाए थे, उस समय ये बिल्डिंग गिरने वाली नहीं थी, उसके एक साल बाद बिल्डिंग गिरा दिया उस चीजों को। भाई केस चल रहा था लंबा यहाँ पर, उस समय हम उस बिल्डिंग को बोल दिए थे दिल्ली में है, एक्चुअली वो नोएडा में है, तो बहुत दूरी नहीं है, वहां से 10 किलोमीटर दिल्ली है, तो अमूमन किसी को दिल्ली। तो अभी क्या है कि वो बिल्डिंग गिर गया, तो लोगों को हाईलाइट हो गया, अरे भैया गिर गया वहां पे। अब जिस दिन गिरा था हम वहीं पे थे, नहीं हम तो दिल्ली में क्लास दे रहे थे, जब गिरा तो देखे कि भैया हमारा जो ऑफिस है ना दिल्ली, जो आप लोग का जहाँ में ऑफिस वगैरह, वहां से पास में ही है वहां पर। तो बड़ा हल्का मजा, इतना भयानक गिराया गया था उस बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग गिराया गया ना, तो वो बिल्डिंग नॉर्म्स पूरा नहीं किया था, रूल रेगुलेशन, इसलिए गिराया गया। नहीं तो हाइट से कोई दिक्कत नहीं, एक से एक बिल्डिंग है दिल्ली में, नहीं तो नोएडा गुड़गांव में। आगे बढ़ जाए, अब देखिए नागपुर भी अलग डेवलप, मुंबई भी अलग डेवलप। इन दोनों शहरों के बीच में आने में लगभग 18 घंटे लगते थे। इन दोनों के बीच बनाया गया एक्सप्रेसवे। क्या बनाया गया? एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, आज इस दूरी को कम करके आप 8 से 9 घंटे में कवर कर लेते। 120 किलोमीटर स्पीड में चलिएगा, 120 के स्पीड में ना, तो पुलिस चालान नहीं काटेगी, 120 तक चल सकते हैं। और हमारे यहाँ गाड़ियों पे लिखा रहता है 40, समझा गया? स्पीड कितना है 40, और वहां पे कितना है 120, समझा गया? तो महाराष्ट्र कितना गुना भाग रहा है? 3 गुना हो गया, काम खत्म। हम कहीं भी जा रहे हैं लोग, हम लोग तो, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक्सप्रेसवे से फायदा ये होता है, हाईवे पुराना हो गया, एक्सप्रेसवे में अगर आए पे एक बार घुस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे कम से कम 30-40 किलोमीटर तक, यानी एक जिला में एक को एंट्री पॉइंट देता है उसमें। और हाईवे पे तो कोनो बकरी लेके चल आता है, चल चल चल, कपड़ा सुखा देता है, बोरा वगैरह सुखा देगा। अब उसमें कैसे आप जा पाइएगा 120 की स्पीड में? पता चला कपड़ा सुखाने वाले को आप तो हिला दिए ऊपर। उसमें सड़क में कहीं कट नहीं दिया होता है, और कटीले तार से दीवाल उठा दिया जाता है कि जानवर भी ना आए, कुत्ता कभी, हालांकि कभी कभी गाय भैंस कूद के चल आते हैं, सो तो मर जा। एक्सप्रेस वे में जो गया कुत्ता सियार गाय भैंस तो मर जाते हैं एक्सीडेंट होकर। तो एक्सप्रेस वे बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा एक्सप्रेस है पूरा इधर से उधर जाए। बिहार में अभी एक्सप्रेस वे नहीं है। एक्सप्रेस वे में होता है कि आप जिस लेन में घुस गए अब निकल नहीं सकते। गलती से अगर आपको मुड़ना था और नहीं मुड़े ना, हो गया 30-40 किलोमीटर काम हो गया, अब आप चलते रहिए, तो वहाँ 30-40 किलोमीटर पता भी नहीं चलता है। 30-40 किलोमीटर 15-20 मिनट में निकल जाता है धाम से, लेकिन 30-40 किलोमीटर तो आगे ले जाएगा, फिर यू टर्न मार के 30-40 किलोमीटर आइएगा। बहुत लंबा भयानक मारता है एक्सप्रेस वे पर। तो एक्सप्रेस वे बहुत जरूरी है, बिहार में भी एक्सप्रेस वे होना चाहिए। हालांकि औरंगाबाद से जयनगर के बीच में एक्सप्रेस वे बनना प्रस्तावित है, अब ये कितने सालों में बनेगा, 2030-35 तक तो बन ही जाएगा। हाँ बन जाना जी, 35 तक तो बन ही जाएगा। आगे बढ़े, तो ये महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर को किससे जोड़ता है?